Hello guys, this is Manoj and welcome to my channel Life for Study Fun. Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं Air Force Exam 2019 के X and Y ग्रुप की, जिसका एग्जाम 21 सितंबर 2019 को हुआ है. देखेंगे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए Air Force के एग्जाम के X and Y ग्रुप में. गाइज, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ, पैटर्न की बात करूँ, तो पैटर्न जो है मॉडरेट आ रहा है, इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है. फिजिक्स काफ़ी ईजी आ रही है. तो गाइज, अगर पेपर मॉडरेट ही बना तो कट ऑफ ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा हाई नहीं जाएगा. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एयरफोर्स के एग्जाम एक्स एंड वाई ग्रुप में. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 वर्ल्ड कप, विंटर वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होंगे. तो गाइज, ये होंगे बीजिंग में. बीजिंग कैपिटल है चाइना की, वहाँ की करेंसी युआन है और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पूछा गया था आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है हॉकी से. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पूछा गया था स्पेसिफिक का सिनोनिम्स क्या होता है. स्पेसिफिक का सिनोनिम्स होता है गाइस पर्टिकुलर. फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था जिम कॉबेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो गाइस ये स्थित है उत्तराखंड, उत्तराखंड में. उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है, और वहां के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत. फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी मतलब अर्थ के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है शुक्र ग्रह. सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो गाइज ये लिया गया है ब्रिटेन से. सेवन क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग था भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो गाइज ये लिए गए हैं आयरलैंड से. चलिए मूव करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एयरफोर्स के एग्जाम के 2019 के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में. एट क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो गाइज ये आया था 1927 में. नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होंगे, तो गाइज ये आयोजित होंगे इंग्लैंड के बकिंगम में. टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने. इलेवेंथ क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 एकल महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये जीता नोआमी ओसाका ने, जो जापान की हैं. ट्वेल्थ क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, ये कोटा से हैं. कोटा कहाँ पे है, राजस्थान में. थर्टीन क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे जब जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हुआ, तो उस समय वहाँ के गवर्नर हैं श्री सत्यपाल मलिक, जो यूपी के हैं. 14 क्वेश्चन गाइस फिजिक्स से आया था डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन. 15 क्वेश्चन पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम. 16 क्वेश्चन आया था इंग्लिश से काम का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो ये होता है विंडलेस या फिर स्टिल. 17 क्वेश्चन पूछा गया सजेशन का एंटोनियम्स बताओ, तो ये होता है डिमांड, कमांड या फिर आंसर. चलिए मूव करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एयरफोर्स के एग्जाम में. 18 क्वेश्चन पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट. 19 क्वेश्चन पूछा गया व्हेन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च, सबसे पहले चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 में. 20 क्वेश्चन में चलते हैं. पूछा गया था बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो बटरफ्लाई स्विमिंग से रिलेटेड है. 21 क्वेश्चन आया था चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत. 22 क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज अकबर टॉम, तो अकबर जी का जो टॉम है वो कहाँ है, सिकंदरा में. 23 क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ी गई, तो ये लड़ी गई बाबर एंड लोदी के बीच में 1526 में. 24 क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन सी गैसेस हैं जो बायोगैस में पाई जाती है, तो ये रही आपकी CH4 मिथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन. 25th क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के पहले चेयरमैन थे PC घोष. 26 क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मॉडेम, तो मॉडेम क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में काम करता है. मॉड्यूलेशन का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना या इंटेंसिटी को बढ़ाना, और डीमॉड्यूलेशन मतलब उसे कम करना, कैरियर वेव्स को हटाना. 27 क्वेश्चन की बात करते हैं. पूछा गया टिमिडिटी एंटोनियम्स क्या होता है, टिमिडिटी का, तो ये होता है बोल्डनेस और डेयरिंग. 18 क्वेश्चन आया था डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, फॉर्मूला आपको पता ही होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की तो डायमेंशन होती नहीं है, तो स्ट्रेस की क्या होती है, ML-1 T-2. 29 क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया अटैक ऑन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पुलवामा अटैक, तो ये था बालाकोट. चलिए मूव करते हैं और कौन से क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में. 30 क्वेश्चन पूछा गया था कोहिमा की कैपिटल, तो कोहिमा की कैपिटल नागालैंड. 31 पूछा गया था हु डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये थे दया राम सैनी.
32 क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, तो ये होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 33 क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, तो ये सबको पता है सरोजनी नायडू, नाइट एंगल भी कहा जाता है इन्हें। 34th क्वेश्चन पूछा गया था रीसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, तो वो है हमारी पिनरंगी विजयन। 35 क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्कर अवार्ड 2019 विनर मूवी, तो ये जो मूवी को मिला गया ऑस्कर अवार्ड वो है ग्रीन बुक। 36 क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल। 37 क्वेश्चन पूछा गया विच रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये है गाइज नर्मदा। 38 क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत। 39 क्वेश्चन फिर से फिजिक्स से आ गया था कैंडेला की एसआई यूनिट, तो कैंडेला की एसआई यूनिट होती है किसकी एसआई यूनिट होती है, तो ये होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। और 40 क्वेश्चन पूछा गया कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज पूछे गए, जो कल पूछे गए एयरफोर्स के एग्जाम के एक्स एंड वाई ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।